थैंक यू सो मच सर। चलिए सभी लोग जुड़ते हैं थोड़े टाइम के लिए। जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है पैसा। पैसे के बारे में हमेशा आपने देखा होगा कि यही हरे नोट, नीले नोट, पीले नोट, या फिर आजकल तो मल्टी कलर्स में हो गए हैं। तो यही पैसा जो है हम सबको अट्रैक्ट करता है और हम सबको उत्साहित करता है कहीं ना कहीं काम करने के लिए, कहीं ना कहीं सुबह नींद खोलने के लिए। जिसके पास बहुत है वो भी आँख खोलता है, और जिसके पास नहीं है, कम है, वो भी सुबह जागता है क्योंकि उसको पैसा चाहिए होता है लाइफ में। तो देखिए, यही जो मुद्रा है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमारे लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा पहले पैसे के बारे में बता दूं। पैसा जो है वो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। आप इसका राष्ट्रीय मुद्रा जो है ये रुपए का 100वां हिस्सा होता है, पैसा जिसे हम बोलते हैं। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में भी ये इसी तरह से काउंट होता है, मतलब 100वां भाग है ये पैसे का। तो आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि रुपया और पैसा, ये 1 रुपया और 100 पैसा, तो ये 1/100 भाग होता है ये। आप इसको जानते हैं भली भांति, तो जितने लोगों को भी पैसा नहीं देखा, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था 80s में तो उस टाइम तक पैसा चला करता था। जो 80s के बाद आए हैं लोग, उन लोगों ने शायद पैसे का चलन नहीं देखा होगा। तो पैसा फ़िलहाल जो है वो जो उस टाइम पर एल्यूमिनियम वगैरह का हुआ करता था, आज की तारीख में वो चलन में नहीं है, लेकिन हम सब ने वो पैसा देखा हुआ है। तो पैसा जो है वो भारतीय रुपया है, और भारतीय रुपये का चिन्ह जो है आजकल चेंज हो गया। आपने देखा होगा र लिखा जाता है और बीच में उसको क्रॉस किया जाता है, तो ये चिन्ह है, ये राष्ट्रीय मुद्रा पर चिन्ह है। भारतीय रिजर्व बैंक इसको जारी करता है, और पहले RS लिखा जाता था या RE लिखा जाता था, अब उसका साइन जो है वो सिंबल के हिसाब से उसे लिखा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय रुपया कैसा होता है और उसके सामने कैसे रुपया लिखा जाता है। आप देखिए, यही वो कलरफुल नोट हैं जो हमारे जीवन को रोज़ सुबह से शाम तक एनर्जाइज करते हैं। कोई भी ज़रूरत की चीज़ लेनी हो तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको कमाने के लिए रोज़ की भागदौड़ आपको करनी पड़ती है। वर्तमान समय में कैसे है और ये रुपए और सिक्के किस तरह से चल रहे हैं, ये आप देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास भी समझा देता हूँ, क्योंकि हम लोग जिस रुपये का इस्तेमाल करते हैं ये उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का प्रचलन लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था। आप यूँ समझिए कि रुपया जो है वो आज से नहीं चालू हुआ, ये 6वीं ईस्वी में ही चालू हो गया था, 6वीं सदी में चालू हो गया था। इसका अर्थ होता था शाब्दिक अर्थ रुपये का रूपा, जो कि जिसका हिंदी में अर्थ अगर देखें तो इसका अर्थ होता था चांदी, तो रूपा से जोड़ा जाता था जिसका अर्थ चांदी होता था। और संस्कृत में रुपयकम का अर्थ है चांदी का सिक्का। तो आप यूँ समझिए कि रुपया जो है वो सन 1540 से 1545 के बीच में जब शेरशाह सूरी आया था, तो उस टाइम पे चांदी के सिक्कों को उपयोग में लाया गया था, और उस टाइम पे ये चांदी का जो सिक्का होता था वो प्रचलन में आया था। और मूल रुपया जो था चांदी का सिक्का होता था, जिसे आज हम 1 रुपये या 10 रुपये बोलते हैं, कॉइन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शेरशाह सूरी के समय में ये चांदी का सिक्का हुआ करता था, जिसका वज़न 11 ग्राम हुआ करता था, 11.34 ग्राम। और उस समय 40 चांदी के सिक्के जो थे वो 1 रुपये के बराबर होते थे। सोचिए, 44 ग्राम चांदी जो थी वो 1 रुपये के बराबर होती थी, कितना वैल्यू हुआ करता था उस टाइम रुपये का। अगर ये 10-10.5 ग्राम आप यूँ देखिए, 11.34 ग्राम को आप 40 सिक्कों में तोलिए तो 44 ग्राम से तो ज़्यादा हो गया, उसका इक्वलेंट वैल्यू था 1 रुपया। तो सोचिए, रुपये का इतिहास जो है वो बहुत तगड़ा है, हम इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 44 ग्राम चांदी के सिक्के इज इक्वल टू 1 रुपीज़ हुआ करता था। तो बहुत बड़ा इतिहास है, आप इसे कोशिश कीजिए कि आप इसकी वैल्यू को समझें। हर किसी को लगता है, हर किसी से बात कीजिए, पैसा पैसा करता रहता है, लोगों में हाहाकार मचा ही रहता है। सुबह से शाम तक आप देखिए पैसा पैसा, जिसकी ज़बान पे देखिए पैसा ही पैसा रहता है। और बचपन से हमारे माँ बाप भी हमें पढ़ाई लिखाई क्यों करवाते हैं, ताकि हम बड़े बने और एक दिन पढ़ाई लिखाई करके हम अच्छे खासे पैसे कमा सकें और दुनिया की ताल से ताल मिला करके चल सकें। तो पैसा क्या कहता है, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है? हम तो पैसा पैसा करते हैं, लेकिन पैसे की फिलॉसफी क्या है, पैसा क्या बोलता है? चलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पैसे का कथन है, मैं पैसा हूँ और पैसा क्या बोलता है, मैं भगवान नहीं मगर लोग मुझे भगवान से कम नहीं मानते। आप यूँ समझिए कि पैसा जो है, पैसे की ऊंचाई आप इस बात से समझ सकते हैं कि लोग भगवान को खुश करने के लिए भी आज की तारीख में बेतहाशा पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े हवन, बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़े बड़े आयोजन, ये सब के सब बिना पैसे के नहीं होते, और भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। हम कई बार कहते हैं कि कुछ चीज़ें हम पैसे से खरीद नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें नहीं खरीद सकते हम पैसे से, उसको भी पैसा प्रभावित करता है। आप देखिए, जो माँ का प्यार है, हम कहते हैं अनकंडीशनल मिलता है, माँ बच्चे को कभी भी प्यार जो है वो किसी शर्तों पर नहीं करती, बिना किसी शर्त के माँ प्यार करती है। लेकिन अगर बेटा बेरोज़गार हो जाए, बड़ा है, तो माँ उसे लानत मलानत रोज देती है कि उठ,
बेशरम कहीं का, चल सुबह उठ, भाग भाग यहाँ से, काम पर जा। मतलब माँ उसे भला बुरा कहती है, उसे कहती है कि तू काम पर जा, घर से निकल। और ऐसा क्यों कहती है वो? क्योंकि वो जानती है कि अगर ये नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा, तो आगे इसका भविष्य कुछ भी नहीं है। तो माँ भी बच्चे को थोड़ा सा टाइट इसलिए भी करती है क्योंकि वो बाहर निकले घर से और जा करके चार पैसे कमाएं। मैं और आप बच्चों को स्कूल में क्यों डालते हैं? हम अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चे सुबह उठने को राजी नहीं होते, स्कूल जाने को राजी नहीं होते। आजकल तो ऑनलाइन स्टडीज है, उसमें भी बच्चे सोते रहते हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें उठा करके मोबाइल के सामने बिठाते हैं। शायद इसीलिए कि एक दिन बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो शायद हमसे बेहतर जीवन वो जिएगा और उसके जीवन में पैसे का फ्लो मेंटेन रहेगा। और आज हम जिस नेटवर्क का हिस्सा हैं या जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं उसमें अपने लेवल्स को बढ़ाना या क्यों अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं? क्योंकि हम सब ने पैसों की तंगी देखी है। हम सब चाहते हैं कि अगर इस पैसों की तंगी है ये दूर होनी चाहिए, इसलिए हम लोग रोज़ मेहनत करते हैं। चलिए पैसे के बारे में अगली, पैसा आगे क्या बोलता है? कहता है कि जब तक मैं आपके पास हूँ आपका हूँ, और जब आपके पास नहीं हूँ आपका नहीं हूँ, मगर मैं आपके पास हूँ तो सब आपके हैं। और ये सच्चाई है, जब तक पैसा हमारे पास होता है, लोग, रिश्तेदार, नाते और जितने भी आस पड़ोस वाले हैं, जितने भी साथी संगाति हैं, सब के सब लोग हमारे अपने होते हैं। आप यूँ देखिए कि पैसे से वक्त नहीं खरीद सकते हम लोग, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जब किसी का इलाज होता है या कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बीमारी हो जाती है, आप कई बार हम लोग कहते हैं कि यार पैसा खर्चा करके भी हम उस आदमी की लाइफ को नहीं बचा सकते। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर पैसा है तो आप अच्छे हॉस्पिटल में इलाज तो करवा सकते हैं, आप किसी अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू गो थ्रू तो कर सकते हैं, जा तो सकते हैं, कम से कम उसके लिए कुछ समय तो बाय कर सकते हैं। और अगर आप संपन्न हैं तो पैसे से आप समय ज़रूर खरीद सकते हैं, क्योंकि आप फ्री रहेंगे। आज आप देखिए जिस रेस का हम लोग हिस्सा हैं, सुबह से शाम हम अपनी फैमिली के पास नहीं रह पाते क्योंकि पैसा नहीं है। हम सुबह घर से निकल जाते हैं, इस रेस में कब बच्चे बड़े हो गए पता ही नहीं चला। छोटे छोटे बच्चे जब वो खेल सकते थे हमारे साथ, टाइम स्पेंड कर सकते थे, हम लोग सुबह निकला करते थे और रात को घर पर आया करते थे, समय नहीं मिला। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। और आज बच्चे बड़े होने के बाद अपने अपने मोबाइल लेकर के एक ही घर में चार कोनों में चार लोग पड़े रहते हैं, किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं होता। आपके पास अच्छे संसाधन आप इकट्ठे कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है, और आप अपनी एनर्जी और समय आप बिल्कुल बचा सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। तो पैसा को बिल्कुल आपको इकट्ठा करना पड़ेगा और आपके पास ये ज़रूर आएगा। पैसा ताकत बहुत रखता है। आप देखिए कि हम बोलते हैं कि जो है पैसा काफ़ी बड़ा है, हम भगवान को भी तो बड़ा बोलते हैं। भगवान भी हमारे सारे काम नहीं आकर के करते, भगवान हमें सिर्फ जरिया देते हैं, काम तो हम ही करते हैं। उसी तरह से पैसा भी जो है हमारे लिए हमारी लाइफ को काफ़ी हाई लेवल तक लेकर के जाता है, और पैसे से काफ़ी कुछ किया जा सकता है। अगर बात बोली जाती है कि भगवान सबसे बड़े होते हैं तो पैसा भी बहुत बड़ा होता है, आप इसकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो आप पैसे की ताकत को समझिए, पैसा जो है वो बिल्कुल हमें पावरफुल बनाता है, और समय समय पर आप इसकी इंपॉर्टेंस समझते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इतिहास में भी कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिनके पास पैसा था मगर उनके लिए रोने वाला कोई नहीं था। जब वो मरे तो रोने वाला कोई नहीं था। आपने सिकंदर की कहानी ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि सिकंदर जो था जब मरा तो उसने अपनी मुट्ठियाँ और हाथ जो है वो अपने लोगों को आदेश दिया था कि भाई उसके जब उसे लेकर के जाया जाए तो उसके हाथ बाहर लटका दिए जाएँ, ताकि दुनिया को पता चले कि वो लेकर के कुछ नहीं जा रहा है। तो पैसे की रेस में कई बार हम कुछ चीज़ें मिस भी कर जाते हैं। एक छोटी सी कहानी के संदर्भ में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा, आप इस कहानी के साथ जुड़िए और ढूंढिए कहीं इसमें मैं और आप तो नहीं। आप देखें यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम राम है। हमारी हिंदी की कहानियों में हमेशा राम जो है वो काल्पनिक पात्र हुआ करते थे। हमने स्कूल डेज में भी पढ़ा है कि राम का परिवार बहुत बड़ा था और राम एक कठिन कार्यकर्ता था और परिवार का एकमात्र रोटी कमाने वाला आदमी था। उसके तीन बच्चे, दो बेटे और एक बेटी थी। तो देखिए माँ भी, पिता और माँ के साथ भी रहता था, अपने परिवार को खिलाने पिलाने के लिए वो मेहनत भी बहुत करता था, मेरे और आपकी तरह ही रोज़ के 16-17 घंटे भी काम करता था। बच्चे उसे देख नहीं पाते थे क्योंकि उठने से पहले ही वो चला जाता था, काम पे चला जाता था, और जब रात को सो जाते थे तो उसके बाद वो लौट करके आता था। बच्चे उसे बड़ा याद भी बहुत करते थे और उनके साथ टाइम बिताने के लिए भी बहुत बच्चे उत्सुक रहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का खर्चा, ये सब चीज़ें अरेंज करने के लिए उसको बहुत टाइम देना पड़ता था। पत्नी और माता पिता को भी यही शिकायत थी कि जो ये राम है वो टाइम नहीं दे पाता। तो ये कहानी ऐसी ही है कि राम जो है वो हमेशा कड़ी मेहनत करता गया, आर्थिक वृद्धि और तरक्की लेता गया, सभी चीज़ें होती गई, और परिवार जो था वो पुराने घर से नए घर में चला जाता है, अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, अच्छा खाना मिल जाता है और पैसे भी कुछ आ जाते हैं। और उसकी पत्नी लेकिन बोलती है कि तुम हमेशा पैसे के पीछे क्यों चले जाते हो?
तो पत्नियां हमेशा बोला करती हैं, वो मांगती हैं कि समय दीजिए मुझे, आप क्यों भागते रहते हैं ऐसे, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन आदमी भी मजबूर होता है, वो भी बेचारा क्या करे, अगर वो पैसे नहीं कमाएगा तो सिर्फ साथ रहने से गुजारा नहीं होगा। तो आप और मैं हमेशा मेहनत करने के लिए घर से निकल जाते हैं, इसी तरह राम भी चला जाता था, और वो चाहता था कि अपने परिवार के लिए वो सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी करे जो कि उसका परिवार डिजर्व करता था। तो आप देखें कि ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया कि उसके बच्चे बड़े हो गए, और हम सबके साथ भी यही होता है। और अपनी अगली 5 पीढ़ियों को एक शानदार लाइफस्टाइल देने के लिए वो लगातार फिर भी जुटा रहा, और धन इकट्ठा करने के चक्कर में वो लगातार भागता रहा। और एक बार छुट्टी मनाने के लिए अपने परिवार को लेकर के वो समुद्र तट के पास जाता है, और वहाँ पर अपने परिवार को छोड़ता है। उसकी बेटी पूछती है कि पिताजी, क्या आप हमारे साथ एक दिन बिताएंगे? तो फादर कहते हैं कि ठीक है, आज मुझे काम है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कल तुम्हारे साथ जुड़ूंगा, और कल तुम्हारे साथ मैं समय बिताऊंगा। और वो भी सोच वो चला जाता है, उसको कोई अर्जेंट काम होता है। और अगले दिन जब वो लौट करके नहीं आता है, मतलब कहीं और होता है, तो अगले दिन राम का परिवार का कोई भी आदमी जीवित नहीं बचता है, उसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सुनामी आई होती है, और सुनामी ने पूरे का पूरा एरिया धो डाला होता है, पूरे का पूरा एरिया जलमग्न हो गया होता है। राम जब लौट के आता है तो अपने परिवार के लोगों की डेड बॉडीज तक भी नहीं देख पाता है। तो इस रेस में उसने सब कुछ खो दिया, उस समुद्र के बहाव में उसने सब कुछ खो दिया। तो कहीं लाइफ की ऐसी रेस में ऐसा ना समय आए कि हम लोग अपने हाथ से सभी चीज़ें मिस कर दें। स्टोरी बड़ी मार्मिक थी, मैं और आप इस स्टोरी के पात्र हैं, और हम लोगों ने पैसे की रेस में हमेशा अपने आप को झोंका हुआ है, और हम लोग लगातार चीज़ें और सुख सुविधाएं इकट्ठा करने के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन इस रेस में कहीं ना कहीं हम परिवार को मिस कर रहे हैं। शायद वाइफ जो है वो दिन ब दिन वो मेकअप करके भी अभी उतनी सुंदर ना लगे जितनी पहले लगा करती थी, क्योंकि उसके यंग एज का लुक जो था वो अलग था। और एजिंग अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जो चेहरे पे झुर्रियाँ ला ही देता है, और ये जो चेहरा है वो बिल्कुल बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। तो कहीं बीवी बूढ़ी हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएँ, और अचानक से हमारी लाइफ से सब कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए इस पैसे की रेस को कहीं तो हमें विराम देना होगा। आप लाखों रुपए का भी भुगतान करके परिवार को वापस नहीं हासिल कर सकते, ये एक बहुत बड़ा मिस हैपनिंग है। तो कहीं ना कहीं इस रेस में आप परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए, बच्चों का ध्यान ज़रूर रखिए, कुछ समय उनके साथ ज़रूर बिताइए, वरना ज़िंदगी में रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं होगा। हालांकि ये हादसा सबके साथ नहीं होना चाहिए और नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये घटना यही बताती है कि पैसे की रेस में कहीं ना कहीं हम समय देना भूल जाते हैं। तो लास्ट वीक में जो समय की बात की थी, इस पैसे की वजह से कई बार हम समय नहीं दे पाते, तो आप इस समय को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कहीं सिकंदर की तरह हम लौटें और हमारे हाथ खाली हों और पैसा हमारे पास ढेर सारा हो, लेकिन हम कुछ ना लौटा पाएँ अपने लिए, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पैसा ये भी बोलता है कि मैं नमक की तरह हूँ, जो ज़रूरी तो है मगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ज़िंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। तो पैसा जो है वो ऐसा ज़रूर करता है। आप यूँ देखिए कि आदिकाल से ही धन का महत्व रहा है, नकार नहीं सकते आप इसको, लेकिन धन अर्जित करने की कोई सीमा नहीं है। किसी से पूछो तो वो बोलेगा, अब तपाक से उत्तर देता है कि ढेर सारा पैसा चाहिए, कितना चाहिए पूछो तो कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन पैसा चाहिए। जिसके पास आता है उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे लेवल्स की तरह ही है, एक लेवल करो तो दूसरे की भूख, दूसरा लेवल करो तो तीसरे की भूख, ये भूख लगातार बढ़ती जा रही, कहीं तो विराम देना पड़ेगा हमें। और विराम देने के बाद हमें काम करने वाला तो पहले लेवल से काम करके ढेरों पैसे कमा सकता है, लेकिन जो भूख है वो भूख शांत नहीं होती, इसलिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लेवल बढ़ता जाता है। देश और समाज पे जब कभी टफनेस का टाइम आता है, देखिए कभी अकाल पड़ता है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो ऐसे टाइम पे आपने देखा है कि लोग अनाज को स्टॉक कर लेते हैं। इतिहास गवाह है इस बात का कि आपदा के टाइम पे व्यापारी लोग 2 गुना 4 गुना दामों पर, औने पौने दामों पर नहीं, 2 गुना 4 गुना 10 गुना दामों पर चीज़ों को बेचते हैं और कई गुना मुनाफा कमाते हैं। उद्योगपति यही सोचते हैं कई बार कि ये मौका लूट लो जनता को, और लूट लूट करके वो लोग पैसे को इकट्ठा करते हैं, एंड इट हैपन्स, लोग बहुत सारा पैसा बनाते हैं। तो आप यूँ देखिए कि इसका जो भूख है ना वो लोगों की ख़त्म नहीं होती। पैसे को कहीं से भी कैश करें, चाहे वो लोगों की मजबूरियों से कैश करें, लेकिन लोग पैसा कैश करना चाहते हैं। पैसा जो है वो चीज़ों की वैल्यू को आंकने का ज़रिया है। आप यूँ समझिए कि आपने कभी देखा होगा कि इंसान की जो कीमत है ना वो उसके काम से, उसके उसके हिसाब से मिलती है। अगर आप पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो एक मजदूर जो होता है, लेबर जो होता है, वो भी काम करता है, और एक इंजीनियर भी काम करता है। लेकिन इस पैसे का भेद देखिए कि एक मजदूर उतने ही घंटे काम करता है, लेकिन एक इंजीनियर उतने ही घंटे अगर काम करे तो उसकी आमदनी ज़्यादा होगी। तो पैसा जो है ये वैल्यू भी क्रिएट करता है आदमी की। आपके पास अगर पैसा कम है, आपके काम की वजह से कम है, तो किसी के काम की वजह से पैसा उसके पास ज़्यादा भी है। तो आपका काम भी कई बार आपके स्तर को आइडेंटिफाई करता है, आपका पैसा उसको सेग्रीगेट करता है, अलग अलग करता है। तो आपकी मेहनत के हिसाब से आपके पास पैसा आता है, आपकी पदवी के हिसाब से आपके पास पैसा आता है। तो पैसे का महत्व जो है वो लाइफ में बहुत है।
पैसे की कीमत जो है एक दूसरे के डिफरेंसेस क्रिएट करती है, एक दूसरे के अंदर गरीब और अमीर वाला भेद भी पैदा करती है। तो चलिए पैसे की एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते, मगर जीते जी मैं आपको बहुत ऊपर लेकर के जा सकता हूँ। पैसा ये भी कहता है, मैं और आप इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि लाइफ में एक दिन किसी अच्छे लेवल पर पहुँचेंगे, चाहे वो आज एक हाउसवाइफ, एक आम गृहिणी काम कर रही है, चाहे एक वर्किंग प्रोफेशनल लेडी काम कर रही है, चाहे मैं और आप काम कर रहे हैं, मेल्स काम कर रहे हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि पैसा हमारे लाइफस्टाइल को ऊपर लेकर के जाए। इसमें सबसे ज़्यादा पैसे के ऊपर ले जाने वाली बात हो तो हम बात ना करें हम मोटा भाई की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देखिए कि दुनिया का दम निकाल दिया कोरोना ने, लेकिन इस वक्त पैसे का जो फ्लो है धन कुबेरों के पास कैसे बढ़ा है आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ खा गया कोरोना, वहीं कुछ लोगों को किस ऊँचाई पर लेकर के गया, आप इसको समझिए। ये 11वें नंबर के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं मुकेश धीरूभाई अंबानी, आप इनको देखिए। आप यूँ समझिए कि कोरोना जब था, अभी जो कोरोना है, अमीर और गरीब जो है वो डिफरेंस बढ़ गया है, जिसके पास सेविंग थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन जो धन कुबेर हैं अरबपतियों की दौलत में 35% का इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि बीते साल मार्च से भारत के 100 सबसे अमीर लोगों ने जितनी दौलत कमाई है, और अगर देश के सबसे गरीब 13.8 करोड़ लोगों में बांटी जाए तो हर हिस्से में लगभग 94,000 रुपये आएंगे। आप सोचिए कि 13 करोड़ लोगों को 94,000 रुपीज़ पर पर्सन आ सकते हैं, इतनी दौलत इन अमीरों ने कमाई है। तो हर घंटे मुकेश अंबानी जी ने, या फिर यूँ बोलिए कि भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स जो मुकेश अंबानी जी हैं, हर घंटे औसतन इन्होंने 90 करोड़ रुपये कमाए हैं। और हर घंटे मैं और आप क्या कमाए, या फिर जो कमाया था हर घंटे कैसे उधार लें, कैसे क्रेडिट कार्ड लें, कैसे कहाँ से लोन मिल जाए, कौन सा रिश्तेदार उधार दे दे, या क्या बेच करके अपने घर की ज़रूरतें पूरी की जाएं, हम सब ने ऐसा किया। लेकिन एक तरफ पैसा कितनी ऊंचाई पर लेकर के गया आप इसका अंदाज़ा ही नहीं आंकड़ों से लगा सकते हैं कि दौलत की बढ़ोतरी जो है वो करीब 40 करोड़ कामगारों को कम से कम 5 महीने गरीबी रेखा से बाहर रख सकती थी, इतना पैसा उन्होंने कमाया है। तो बहुत तगड़ा पैसा है। और आप जो ब्लूमबर्ग है, ये न्यूज़ एजेंसी है, दुनिया के सबसे अमीर 500 लोगों की अपनी सूची भी इसने जारी की। लोगों के लिए भले ये बुरा सपना रहा हो 2020 जो लास्ट ईयर गया है, लेकिन धन कुबेरों की दौलत जो है वो लगभग 13 खरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, 23% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारे के सारे आंकड़े हैं, 200 अरब डॉलर की संपत्ति जो है दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। काफ़ी सारी जो खबरें यहाँ पर हैं, ये भारत की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया मुकेश अंबानी की दौलत में बीते साल करीब 22 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। मैं और आप इतने ज़ीरो भी नहीं जानते और शायद पूरी उम्र निकल जाएगी इतने पैसों में, हमें आंकड़ों का भी पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी पैसा कितनी ऊँचाई तक ले जा सकता है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ढेर सारे यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, नौकरी धंधे तबाह बिल्कुल लोगों के, लेकिन पैसे कमाने के लिए कई लोगों के पास धन जो है वो बिल्कुल एकदम बोलते हैं कि भर भरा करके छप्पर फाड़ के बरसा है। तो ये आंकड़े थे जो मैंने आपको देने की कोशिश की, क्योंकि ये आंकड़े कुछ लोगों को टॉप पर लेकर के गए और कुछ लोग अर्श पर पहुंचे और कुछ लोग फर्श पर ही रह गए। तो पैसा जो है वो आपको जीते जी अगर आपने उसको कमाया और अच्छे लेवल पर कमाया तो आप देखिए पैसा कहाँ से कहाँ लेकर के जा सकता है। तो ये पैसे का समीकरण है। अगले लेवल पर बात करता हूँ मैं कि पैसा ये भी बोलता है कि आप मुझे पसंद करो, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि लोग आपको नापसंद ना करने लगे। कई बार पैसे की रेस में लोग थोड़े से एरोगेंट हो जाते हैं, थोड़े से इगोस्टिक हो जाते हैं, लोगों को लोग नहीं समझते, इंसान को इंसान नहीं समझते, वो कई बार उनके साथ बदतमीजी से पेश आना शुरू हो जाते हैं, रुआब आ जाता है, गर्मी आ जाती है, पैसा बोलता है वो एक्चुअली उनके। और कई बार पैसा अगर आदमी ने मेहनत करके कमाया है तो वो बड़ा डाउन टू अर्थ होता है, वो लोगों की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अगर पैसा बपौती में मिल गया है तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती है। लोग जब जो लोग भी आपके साथ बदतमीजी से बात करते हैं और संपन्न हैं तो यूँ समझिए ये इनका कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये इनका ईगो बोलता है, क्योंकि इनके बाप से मिली हुई विरासत है ये। क्योंकि जो पैसा कमाएगा वो बड़ा हम्बल होगा, वो बड़ा सुलझा हुआ आदमी होगा, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी मेहनत की, आपके काम की रिस्पेक्ट करेगा। जो आपके साथ हड़तुड़ की भाषा में बात करे और संपन्न हो, यही समझिए कि कहीं ना कहीं बपौती मिली हुई है उसको। बात करते हैं कि ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा बिल्कुल ज़रूरी है। मैं और आप जो है कि ये भी आपने सुना होगा कि धन में लक्ष्मी का वास होता है। प्राचीन समय से ही धन का महत्व तो रहा है कि धन प्रत्येक युग के छोटे बड़े कार्य के लिए हमेशा आवश्यक रहा है। अगर आप रोटी कपड़ा और मकान जैसी बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए आपको तो भी आपको पैसा चाहिए। कबीर साहब जैसे संत भी बोल करके गए हैं कि जीवन जीने के लिए धन की अनिवार्यता है, लेकिन
ये सच है कि धन मूल्यवान है, उसकी सभी को ज़रूरत है, पर उसको सब कुछ मान लेना ये गलत है। आपको अच्छा शरीर और अच्छा मन, अच्छा मस्तिष्क जो है, अगर ये बनाना है तो सिर्फ धन से नहीं बनता है, आपको उसके लिए कुछ अच्छे काम भी करने पड़ेंगे। तो ज़रूरतें ज़रूर पूरी कीजिए, लेकिन धन के चक्कर में पागल मत हो जाइए, ये धन भी कहता है। इसके अलावा आप यूँ समझिए कि धन कहता है कि पैसे की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। मैं और आप अगर पैसे की वैल्यू को समझते हैं तभी जीवन में सभी चीज़ें हम लोग कर पाएंगे। आप देखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे धन नहीं खरीद सकते, लेकिन जीवन जीने के लिए लगभग चीज़ें जो हैं वो हमें धन से खरीदनी होती हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि पैसा सुख नहीं है, लेकिन सुख के साधन इकट्ठे करने के लिए पैसा चाहिए। जितने लोगों को भी लगता है कि जीवन में वो बिना किसी साधन के रह लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आजकल के बच्चे जो हैं उनको लाइफ स्टाइल अच्छा चाहिए, और अगर आप उनको अच्छा एजुकेशन और अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं तो आपको पैसों की सचमुच ज़रूरत है। तो अच्छे साधन इकट्ठे करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। उचित संसाधन क्या क्या हो सकते हैं, आप यूँ भी देखिए कि कोई भी आपको धार्मिक कार्य करना है, आप कोई भी पूजा करिए, घर में सत्यनारायण की पूजा रख लीजिए या फिर कोई छोटी मोटी पूजा रख लीजिए। आप अगर पूजा भी करना चाहते हैं, आजकल जो पूजा पाठ करवाने वाले विधि विधान से करवाने वाले पंडित जी आते हैं, आप देखिए कि वो सामग्री इतनी लिखी जाती है कि वो सामग्री पहली बात तो पूरी मिलती नहीं है, और मिलेगी तो बिना पैसे की नहीं मिलती, कोई दान दक्षिणा में तो दे नहीं देता। तो आपको पूजा पाठ भी करना है तो आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, और अच्छे से लक्ष्मी जी तभी प्रसन्न होंगी। और आप छोटे से छोटा काम भी हो, धार्मिक कार्य भी हो, तो वो बिना पैसे के आप नहीं कर सकते। तो आप बर्थडे मनाइए या पूजा कीजिए, आपको पैसा तो चाहिए। कुछ भी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, आप कुछ भी खरीदना चाहें, चाहे वो सुई खरीदना चाहें, चाहे वो हाथी खरीदना चाहें, जीवन में जो चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए आपको पैसा चाहिए और ज़रूरत है। अच्छी शिक्षा चाहिए तो अच्छा स्कूल लगेगा, और अच्छा स्कूल लगेगा तो अच्छा डोनेशन देना पड़ेगा, अच्छा फीस देनी पड़ेगी, अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें जब आपको पे करनी पड़ेंगी तो इसके लिए चाहिए होगा आपको पैसा। तो आप अपने बच्चों को अगर चाहते हैं, आप अपने खर्चों के को बैलेंस करना चाहते हैं, तो भी आपको अच्छा पैसा चाहिए होगा। और ज़माना बदल गया है, आपको आज कुछ भी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। आज ऐसा नहीं कि आप व्यवहार की वजह से चीज़ें लाएंगे, दुकानदार आजकल राशन जो है वो व्यवहार से नहीं देता, आपको पैसा देना पड़ेगा तभी वो राशन देगा, और उधार तो बिल्कुल भी नहीं देगा। लोगों की भलाई के लिए पैसे का उपयोग करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई सोशल एक्टिविटीज़ करें, धार्मिक कार्य करें, लोगों की सेवा करें, तो धन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं जेब में नहीं दाणे अम्मा चली चने बुनाने। तो आपको अगर किसी को दान देना है तो आपके पास तो बैंक बैलेंस होना चाहिए। लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि मैं सोशली करना चाहता हूँ बहुत कुछ, मैं लोगों को दान देना चाहता हूँ, तो भैया कमा के पहले अपने अकाउंट में तो पैसा डालो। जब आपके पास 54-58 नहीं है और आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो तो काम नहीं चलेगा। तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा, और फिर आपको सोशल एक्टिविटीज़ में उस पैसे को खर्चा भी करना पड़ेगा, और दूसरों की भलाई के लिए आप इस पैसे का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और दूसरों की लाइफस्टाइल को भी बेहतर बना सकते हैं। हर युग में पैसे का महत्व रहा है, आप ये भी समझ लीजिए कि हर युग में महत्व था। छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़े आदमी को पैसे की ज़रूरत थी। आप शरीर रहेगा तभी व्यक्ति धर्म कर्म आदि सारे पुरुषार्थ कर पाएगा, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन बिना पैसे के जीवित रह पाना आज की तारीख में संभव नहीं है। अन्न वस्त्र और निवारा बोलते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, ये सभी चीज़ें नेसेसिटी की हैं। और आज अगर आपके पास अच्छा घर, अच्छा रोटी और अच्छा मकान नहीं है, तो रहन सहन को भी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, और लोग आपको हीन भावना से देखते हैं, आपकी वैल्यू कम की जाती है। तो आप पुराने टाइम से ले लीजिए या आज तक देख लीजिए, चाहे वो सेठ साहूकारों का समय था, चाहे वो आज का इंडस्ट्रियलिस्ट का टाइम है, पैसा हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये पैसा ही है जो हमें छोटा और बड़ा बनाता है। तो आप पैसे की इंपॉर्टेंस को समझिए, और अपनी रक्षा भी करनी है, अगर आपको सिक्योरिटी भी करनी है तो भी आपको पैसा चाहिए। कुछ और एडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूँ कि भौतिक सुख, जिसमें रोटी कपड़ा, अच्छी रोटी, अच्छा कपड़ा और अच्छा मकान, क्योंकि हम रोटी कपड़ा और मकान तो आज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्यों काम कर रहे हैं, क्यों पैसा चाहिए, क्योंकि थोड़ी अच्छी रोटी मिले। अगर आप खाली चपाती खाते हैं तो शायद घी वाली चपाती खाएं, हो सकता है डालडा वाली खा रहे हैं तो पतंजलि वाला, देसी घी वाला खाएंगे आप, हो सकता है आप अच्छे मकान में रह रहे हैं तो हो सकता है आपने चूना पोत रखा हो या डिस्टेंपर कर रखा हो अपने घर में, तो आप शायद ऑयल पेंट लगवाना चाहेंगे अपने घर में। अच्छे कपड़े का मतलब है आज आप फुटपाथ से भी लाते होंगे, 100 रुपये की भी टी शर्ट पहन लेते होंगे, हो सकता है आपको एलन सोली की 1000 या 2000 रुपये की टी शर्ट चाहिए होगी, तो बड़े ब्रांड का भी आप रेमंड्स का कपड़ा पहनना चाहते हो। तो जब पैसा आता है तो आदमी अच्छा कपड़ा, अच्छी रोटी और अच्छे मकान की तरफ बढ़ता है। तो आपके भौतिक जो सुख हैं उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए भी आप अपने लाइफ में अच्छे पैसे का जो है वो आगमन कर सकते हैं, सम्मानित जीवन जी सकते हैं। आज आपके पास अगर पैसा है तो आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं,
ये एक बहुत बड़ी बात होती है। स्कूल सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे स्कूल की फिर भी परिभाषा है। सरकारी स्कूलों में टीचर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल करके पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है शिक्षा का स्तर वहाँ ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अच्छे डॉक्टर से दवा लेते हैं। हमारे गाँव में तो कई बार जो गाँव की पुलिया होती है वहाँ पर झोला लेकर के डॉक्टर साहब आ जाते हैं, उसी में पशुओं की दवाई भी होती है और उसी में इंसानों की दवाई भी होती है। लेकिन क्या मैं और आप ये रिस्क लेना चाहेंगे? मैं और आप हमेशा चाहते हैं कि वाइफ को, बच्चों को, पेरेंट्स को अच्छा इलाज मिले। तो हम अच्छे डॉक्टर की बात करते हैं, तो अच्छा डॉक्टर बिना पैसों के नहीं आता। चाहे वो अच्छा वकील रखना हो आपको, अच्छा केस लड़ना हो, कि कोई फाइनेंशियल आपको डिस्प्यूट हो, आपका प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद हो, तो आपको अच्छा वकील चाहिए होगा। तो आप हर चीज़ को जब आपको चाहिए तो आपको अच्छा पैसा चाहिए होगा। अच्छे वकील की फ़ीस जो होती है वो कई बार 20-20 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ होती है। तो जो टॉप के कॉरपोरेट वकील होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स के वकील होते हैं, उनकी 1-1 हियरिंग की फ़ीस, सिर्फ तारीख लेने की फ़ीस 1-1 करोड़ रुपये होती है। सोचिए, मैंने और आपने तो इतने कमाए नहीं, लेकिन उनकी 1-1 तारीख पर इतना पैसा खर्चा हो जाता है और लोग पे करते हैं। तो अच्छा वकील भी चाहिए, तो अच्छे पैसे की आपको ज़रूरत होगी, तभी आप न्याय पा पाएंगे। भोजन खरीदना है तो पौष्टिक भोजन की भी बात करें। पौष्टिक भोजन में हम लोग तो दाल रोटी खा करके गुजारा कर लेते हैं, कहते हैं रूखी सूखी नमक से भी खाएंगे तो चलेगा, लेकिन सिर्फ रूखी सूखी खा करके गुजारा नहीं होगा। पौष्टिक भोजन का मतलब है कंप्लीट फूड, जिसमें दूध, दही, फल, मेवे, मांसाहार, अंडे, हरी सब्जियाँ, ये सभी चीज़ें हों। ये सभी चीज़ें लेने के लिए एक मज़दूर तो बेचारा वही दाल, अरहर की दाल डाल देगा या फिर मटर की दाल डाल देगा या चने की दाल बना लेगा और उसी से खाता रहेगा और हफ्ते भर भी चलेगी उसको वो। लेकिन जो पौष्टिक खाने का मतलब है, आपको जूसेस भी चाहिए, आपको कुपोषण से भी अपने आप को बचाना है, आपको सूप भी पीना है, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रखनी है, जिम भी जाना है और खाना भी अच्छा खाना है, प्रोटीन डाइट भी लेनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए, पौष्टिक भोजन के लिए आपको अच्छे पैसों की ज़रूरत है। तो आप ये ज़रूर पैसे कमाइए ताकि ये पौष्टिक भोजन आप भी ले सकें। सुविधाओं के साधन के लिए भी मैं आपको बात करूँ तो आज आपके पास हो सकता है छोटा मोबाइल हो, जिसके पास कीपैड वाला मोबाइल है वो चाहता है कि उसके पास अच्छा मोबाइल हो, अच्छे रोटी और कपड़े के साथ साथ अच्छा टीवी भी हो, मोबाइल भी हो। मोबाइल भी कौन सा, जो एंड्रॉयड वाला हो। पहले 4 GB का हुआ करता था, अब लोगों को 6 और 8 GB का चाहिए मोबाइल। पहले वो नॉर्मल स्क्रीन हुआ करता था, अभी टच स्क्रीन चाहिए। पहले नॉर्मल वो डब्बा वाला टीवी हुआ करता था, बॉक्स टाइप शटर वाला टीवी हुआ करता था। आजकल लोगों को LED चाहिए, और वो भी कितने इंच का चाहिए, 40 इंच का चाहिए, 50 इंच, 60 इंच का चाहिए। फ्रिज भी चाहिए तो डबल डोर वाला फ्रिज चाहिए, ओवन चाहिए, माइक्रोवेव जिसमें खाना गर्म कर सकें, बंगला भी चाहिए, मोटर कार भी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो ये सभी की सभी सुविधाएं जो हैं वो आप बिना पैसे के अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। तो आपको ये सब चीज़ें लाने के लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी। आप बसों में ट्रैवल करते हैं तो आप लग्जरी बस में ट्रैवल करना चाहेंगे, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो जनरल डिब्बे की बजाय आप जो है वो फर्स्ट क्लास या सेकेंड AC में आप ट्रैवल करना चाहेंगे, उच्च श्रेणी का टिकट लेकर के यात्रा करना चाहेंगे, प्लेन में ट्रैवल करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें बिना पैसों के संभव नहीं है। तो जितने लोगों को भी ये सभी चीज़ें चाहिए, डेफिनेटली उनको अपनी लाइफ में पैसे का इंट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। आपकी सिक्योरिटी, आपने अगर अच्छा घर बनाया है तो CCTV आप लगाना चाहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहेंगे जो 24 घंटे आपकी सिक्योरिटी में तैनात रह सकें। आप देखिए कि मुंबई की आजकल न्यूज़ चल रही है कि अंबानी साहब के घर के बाहर एक जिलेटिन वाली कार, जो बम से लैस थी कार, वो वहाँ पर पार्क की हुई थी। तो सोचिए, इतने बड़े आदमी को भी लाइफ में थ्रेट हो सकता है, तो सुरक्षा कितनी कड़ी करनी पड़ेगी। क्या मैं और आप ऐसी सुरक्षा जीवन में अचीव कर पाएंगे? अगर हम पैसा कमाएंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। तो पैसा आपको चाहिए, लाइफ में अच्छी सिक्योरिटी के लिए भी आपको पैसा चाहिए। एक अच्छा वॉचमैन भी अपॉइंट करने के लिए आपको वॉचमैन को अच्छे पैसे देने पड़ेंगे, अच्छी सिक्योरिटी के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। गाड़ी में जो एंटी थेफ्ट आपको इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, मैंने बताया घरों में CCTV लगाने पड़ेंगे ताकि आप चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें। और मोबाइल में एंटीवायरस तक तो लोग डालते नहीं हैं, सर पे हेलमेट तक तो लोग पहनते नहीं, गाड़ी का इंश्योरेंस तक तो लोग निकालते नहीं, पैसे की कहीं ना कहीं किल्लत की वजह से। तो आप ये सभी चीज़ों को सिक्योर कीजिए, इसलिए भी आप पैसा ज़रूर कमाइए। सबसे बड़ी चीज़ जो कोरोना में आपने कमाई है वो है कर्जा। कमाया है ये एक्चुअली लोगों ने, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख का कर्जा कमाया है। ये कर्जा पे करना है और विद इंटरेस्ट पे करना है आपको, ब्याज के सहित ये लोगों को लौटाना पड़ेगा आपको। तो आप अपने कर्जे चुका सकते हैं अगर आपने इस सिस्टम के साथ जुड़ करके काम किया। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पहले लेवल पर भी आने के बाद आप सिर्फ थोड़े से पैसे खर्चा कीजिए और 100 लोगों को जोड़ डालिए, वैसे 1 लाख रुपए आपके पास आ जाते हैं। तो आप काम करके भी लोगों का कर्जा चुका सकते हैं, ये सिस्टम आपको इतनी अपॉर्चुनिटी देता है, इतना अवसर देता है। MLM, नेटवर्किंग, छोटा सा बिजनेस या कोई भी नौकरी, हर चीज़ में अवसर होता है। आप काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि बिना काम किए जीवन में कुछ भी नहीं आता, पैसा तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ एडवांटेजेस भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि धन के कारण कुछ लोगों में कुछ प्रवृत्तियां डेवलप हो जाती हैं, अपराध उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है। कुछ लोग जो हैं वो चोरी चकारी करने लग जाते हैं,
लूटपाट हत्या जैसी चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा बैंक लूट लिए जाते हैं, लोगों को फिरौती के लिए अगवा कर लिया जाता है, हिंसा बढ़ती है, आपराधिक हिंसा बढ़ती है, ये किसी वजह से बढ़ती है? आपको क्या लगता है, बड़ा प्यार होता है इसलिए लोग किसी को उठा लेते हैं? ऐसा नहीं होता, ये कहीं ना कहीं पैसा उसके पीछे का रीज़न होता है। लोग कम टाइम में शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए ये धन कमाने का ये एक उन्होंने अलग तरीका अपना रखा है। आप देखिए कुछ लोग जो हैं वो एरियाज़ में बाइकर्स होते हैं, वो गले से चेन छीन लेते हैं, चेन स्नैचर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मालूम है एक दो तोले की सोने की चेन होगी, जितनी जल्दी झटपट उसे गले से उड़ाएंगे वो जाकर के पैसे उसको कैश कर पाएंगे, सोने से पैसा तुरंत कैश होता है। तो बड़े सारे लोग आपराधिक हिंसा करते हैं और इसके पीछे वजह सिर्फ पैसा होती है। तो अगर ऐसी घटनाओं में कोई लिप्त हो रहा है तो उसका कारण कुछ और नहीं है, मजबूरी नहीं है कोई, सिर्फ पैसा है। तो पैसा कमाने का उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा हुआ है इसलिए वो ऐसा करते हैं। भ्रष्टाचार देखिए, भ्रष्टाचार जितने भी हम हमेशा बोलते हैं कि राजनीति में जो है वो भ्रष्टाचार बहुत होता है, हर जगह भ्रष्टाचार बहुत होता है। आप देखिए कि भ्रष्टाचार सरकारी दफ्तर जो है इसका एक एग्जांपल थे, अभी जब से ऑनलाइन सभी चीज़ें हो गई हैं इस भ्रष्टाचार पे थोड़ी सी लगाम लगी है। तो भ्रष्टाचार जो है ये सरकारी बाबू, सरकार अच्छा खासा पैकेज दे रही है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, फिर भी पता नहीं ऊपर से क्यों चाहिए, और ऊपर से भी चाहिए, अंडर द टेबल भी चाहिए, और क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इट मीन्स पैसा जो है वो भ्रष्टाचार करने के लिए भी आदमी को उकसाता है। जितने भी लोग ये जो बोलते हैं कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, ये भ्रष्टाचार की वजह से, चाहे वो सरकारी बाबू अधिकारी हो, आम आदमी हो, सड़क पुल रेल हॉस्पिटल आप कहीं पर भी देखिए, कहते हैं भैया थोड़ा सा कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा तो काम हो जाएगा, और ये खर्चा पानी सिर्फ पैसों के लिए होता है, और खर्चा पानी के चक्कर में कई बार गलत सीमेंट इस्तेमाल कर देते हैं, गलत डामर इस्तेमाल कर देते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, बिल्डिंग टूट जाती हैं, नदी नाले जो बनाए होते हैं उन सब में नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि थर्ड क्वालिटी का माल लगाया होता है या फिर कम क्वांटिटी कम क्वालिटी लगाई होती है, जिसकी वजह से डैमेजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण बनता है पैसा, तो काफ़ी लोग इसमें लिप्त होते हैं। कोशिश कीजिए कि आप ऐसे सब चीज़ों का हिस्सा ना बने, क्योंकि ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाले को पता होता है कि आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है। हो सकता है आपके आस पड़ोस में कोई ना देखता हो कि बेईमानी आपने की है, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर देखता है। गरीबों का शोषण भी होता है, आप देखिए कि जो फैक्ट्री वैक्ट्री में बहुत काम करते हैं मजदूर वर्ग है, पूंजीपति लोग हैं, कई बार उनका शोषण करते हैं, कई बार ज़्यादा काम करवाते हैं, 30 दिन काम करवाते हैं, 40 दिन काम करवाते हैं, फिर 15 दिन का ही पेमेंट देते हैं, फिर आधी पेमेंट देते हैं आधी नहीं देते हैं। लेकिन जिस सिस्टम से आप जुड़े हैं वो कम से कम भ्रष्टाचार नहीं करता, वो शोषण नहीं करता। आपने अगर काम किया तो तुरंत आपका पैसा आपके खाते में पहुंच जाता है, आप उस पैसे को कैश कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, उसके लिए आपको 30 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वरना 30 दिन रोज़ बीवी बेचारी मेहनत करके डब्बा बना करके आपको देती है, आप गेटअप अपना अच्छा करके ट्रेन और बसों में धक्के खा करके नौकरी पे जाते हैं और 30 दिन बाद इंतज़ार करते हैं कि आज मुझे पैसा मिलेगा। कई बार वो पैसा कम हो जाता है, 20-30-40% की आजकल तो कटौती चल रही है, वैसे ही पैसा कम मिलता है। तो आज जिस सिस्टम से हम लोग जुड़े हैं वो सिस्टम हमें तुरंत पैसा देता है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि कमज़ोर वर्ग जो भी है आज अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाता है सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। सामाजिक बुराइयों का भी जन्मदाता है, जो आज देखिए बड़े बड़े घरानों में शादियाँ होती हैं तो दहेज जो है उसमें आज भी लेन देन होता है, और बिना दहेज के शादी ही नहीं होती। यहाँ तो गांव में गरीब आदमी जब अपनी बेटी की शादी करता है तो पूछा जाता है कि भैया मोटरसाइकिल मिलेगी क्या, 2 चक्का दोगे कि 4 चक्का दोगे, ये क्या है, ये अब सामाजिक बुराई ही तो है। एक बेटी का बाप जिसकी 2-3 बेटियाँ और भी हैं, वो बेचारा अपना घर गिरवी रख देता है, अपनी ज़मीनें गिरवी रख देता है, कर्जा लेता है, उसे तो कोई ग्राहक नहीं मिलता, वरना वो अपनी किडनी भी बेच दे। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि बेटी की शादी करनी है, दहेज दिए बिना अच्छा लड़का मिलेगा नहीं, अगर लड़के ने पढ़ाई अच्छी कर रखी है तो उसकी डिमांड भी वैसी होती है। तो डिमांड और सप्लाई में भी ये भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है और इसका कारण सिर्फ पैसा है। तो आप इतना पैसा कमाइए, अपनी बेटियों की आईडी ज़रूर लगाइए, क्योंकि हो सकता है कल को भविष्य में अगर इससे पैसा है तो बेटियाँ सिक्योर्ड हों, अपने साथ ढेर सारा पैसा लेकर के जाएँ, तो फिर आपको दामाद खरीदना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि पैसा देकर के आप दामाद खरीदते हैं फिर भी नखरे होते हैं, उसके 36 नखरे होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बिकाऊ दामाद आपको ना खरीदना पड़े, इसलिए बेटियों के खाते ज़रूर खोलिए, इस बुराई को दूर करने के लिए आप बिल्कुल योगदान दीजिए। और पैसा ये देखिए यहाँ पर जो है सामाजिक बुराइयों में शराब सिगरेट ड्रग्स गांजा, और सरकार मान्य गांजा की दुकानें होती हैं, सोचिए सरकार खुद बेच करके क्या गांजा बेच करके कमाना चाहती है, पहले तो नशा बेचेगी फिर कहेगी हम आपके लिए आरोग्य योजना लेकर के आए हैं कि सभी का आयुष्मान योजना के तहत इलाज होगा, तो भैया आप गांजा बंद कर दीजिए, शराब बंद कर दीजिए, सिगरेट बंद कर दीजिए, लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं ताकि मजदूर वर्ग से काम करवाया जा सके। जब ये पिला खिला दिया जाता है ना आदमी को तो 20 घंटे मेहनत करवा लीजिए, आदमी को पता ही नहीं चलता, नशे में रहता है आदमी। तो ये सभी प्रवृत्तियाँ जो पैदा की गई थी सिगरेट या शराब या गांजा लोगों ने शुरू किया, क्योंकि जब किसी से मजदूरी करवानी हो ना तो मजदूरी इतना आसान काम नहीं होता कि आदमी अवेयरनेस में कर सकता है, ये सब करवाने के लिए उसे नशे में रखना पड़ेगा। तो नशे की चीज़ें इसलिए भी बेची जाती है ताकि लोग बैल की तरह काम करते रहें, उनको कुछ पता ना चले, लेकिन ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल को ख़राब करती हैं।
बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, कई बार तंबाकू खाते हैं लोग और नशे में रहते हैं, जब उनको किक लगती है तो वो लगातार लगे रहते हैं, खड्डा खोदने वाला सारा दिन खड्डा खोदता रहता है, क्योंकि उसने तंबाकू दबा रखा है, अब वो निकोटीन उसको मिल रहा है, उसका दिमाग जो सुप्त अवस्था में रहता है। तो ये बुराइयाँ सिर्फ ऐसे ही नहीं हैं, ये पर्पजली पैदा की गई हैं। और आपको मैं बता दूं कि फिर डॉक्टर आते हैं, फिर उसके बाद दवाइयाँ बिकती हैं, फिर रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये रोलिंग है, आप इन बुराइयों से में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो लोग पी रहे हैं खा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं उनका विरोधी हूँ या नहीं पीने खाने वालों को मैं उकसा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें गलत हैं। आपकी अपनी कॉन्शियसनेस से आप देखिए कि आप आपका बच्चा आपको उसके सामने पिएंगे खाएंगे तो कल को वो भी ये आदतें पकड़ेगा ना, तो आप इन बुराइयों से दूर रहें, ये वाजिब होगा, वरना पैसा जैसे ही आता है लोग ये सभी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। महंगी दवाइयाँ हों, चाहे प्रोस्टिट्यूशन हो, वैश्यवृत्ति, चाहे वो रिश्वतखोरी हो, मानव तस्करी हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद, ये सभी की सभी बुराइयाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे के हेरफेर में की जा रही हैं। आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे आपको लगेगा आदमी मजबूरी में कर रहा है, मजबूरी में नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो पैसे के लिए कर रहा है। लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, मर्डर कर देते हैं, बॉम्ब से उड़ा देते हैं लोगों को, पैसों के लिए तो कर देते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। कलह का कारण भी है, जिस घर में धन की कमी होती है वहाँ पर आए दिन लड़ाई होती है, मियाँ बीवी रोज़ एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, हमेशा पड़ोसियों को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ता है, या फिर रिश्तेदारों को आना पड़ता है, कभी लड़की के भाई को बुलाओ, कभी लड़की के माँ को बुलाओ, कभी बाप को बुलाओ, ये ऐसा है वैसा है। आप देखिए रोज़ की खिटखिट, रोज़ की कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है, मियाँ बीवी में भी झगड़े चलते रहते हैं, वजह सिर्फ पैसा है। आप सोचिए कि मियाँ जी ने पैसे नहीं कमाए इसलिए बीवी ने उनका जीना दुभर कर रखा है, तो आप कोशिश कीजिए कि पैसे को ज़रूर अट्रैक्ट कीजिए ताकि पैसा आपके घर में कलह ना पैदा करे। धन की लिमिटेशंस भी हैं, आप उसे मरे हुए आदमी को लौटा नहीं सकता धन। आप ये देखिए कि परोक्ष रूप से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, इससे परोक्ष रूप से खुशियां खरीदी जा सकती हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। लेन देन का भी एक साधन है ये पैसा। निष्कर्ष भी यही है कि आज के समय में जो लोग धन चाहते हैं भ्रष्ट तरीके से धन संग्रह करते हैं, जो कि गलत है। जीवन इम्पॉर्टेंट है और आप अवैध तरीके से इसे इकट्ठा मत कीजिए, ईमानदारी से धन कमाइए। मैं कुछ सुपरस्टिशियस बातें भी आपको बताना चाहता हूँ कि धन को पाने के लिए लोग क्या क्या तिकड़म लगाते हैं। तिकड़मबाजी वाले काम देखिए कि सुख की बात होती है लेकिन धन मिलने के संकेत देखिए, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी ये भविष्यवक्ता हैं, अब आप देखिए कि धन के बारे में क्या क्या संकेत बताते हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं कि शकुन शास्त्र के अनुसार अगर किसी के हाथ में हथेलियों में लगातार खुजली हो रही हो तो समझ लेना चाहिए धन आ रहा है। हो सकता है विटामिन सी कम हो गया हो आपकी बॉडी में, इस वजह से इचिंग हो रही हो, आपने खाना ढंग से ना खाया हो या मीठा ज़्यादा खा लिया हो लेकिन फिर भी खुजली हो रही है तो लोगों को लगता है धन आएगा। चलिए मान्यता है, एक मानिए इसको। कहा जाता है कि किसी से लेन देन करते समय अगर पैसा हाथ से छूट जाए तो भी समझना धन लाभ होने वाला है, मतलब पैसा आए तो भी लाभ होने वाला है और पैसा चला जाए तब भी लाभ होने वाला है। कहते हैं कि धन से संबंधित किसी काम पर जाते समय पीले रंग के कपड़े पहने कोई स्त्री दिखाई दे जाए और वो सुंदर भी हो तो धन की प्राप्ति होती है। तो अब वो सुंदर स्त्री लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं कि चलो आज मैं पीले कपड़े वाली सुंदर स्त्री ढूंढता हूँ तो शायद पैसा आ जाए। कहा जाता है कि गुरुवार को कुंवारी लड़की को पीले कपड़ों में देखा जाए तो धन लाभ होता है। अब कुंवारी लड़की ढूंढनी पड़ेगी आपको और उसको पीले कपड़े पहने हुए देखना पड़ेगा। कहा जाता है कि कहीं जाते समय नेवला रास्ता काट दे तो नेवले का दिखना भी धन लाभ का संकेत होता है। अब नेवले का इंतजार करना पड़ेगा, हम लोग शहरों में रहते हैं यहाँ पे कुत्ता बिल्ली नहीं दिखाई देते, नेवला कहाँ से लेकर के आएंगे, लेकिन सुपरस्टिशियस बातें हैं, लोग मानते हैं इसको। शुक्रवार के दिन कहते हैं कि केसरिया रंग की गाय दिख जाए और कहीं से अचानक धन प्राप्ति का योग बन सकता है। गाय कहाँ ढूंढोगे, तबेलों में नहीं दिखाई देती आजकल, तो पाउडर से दूध बनाया जा रहा है, बड़े बड़े जो दूध उत्पादक क्षेत्र हैं वहीं पर गायें दिखाई देती हैं, शहरों में तो गाय रखने की भी परमिशन नहीं है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सपने में मोती, मूंगा, हार, मुकुट आदि देख ले, असली में नहीं देखे लोगों ने ये, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर ये दिखाई दे जाए तो आपके जीवन में पैसा आएगा। लोग ढूंढ ही रहे हैं मूंगा का है, मूंग की दाल देख लीजिएगा, शायद उससे पैसा आ जाए। कहते हैं कि सपने में जिसके दाहिने हाथ में सफ़ेद रंग का सांप काट ले, अब सोचिए एक तो सपने में भी सांप आता है कई लोगों का, कहते हैं काल सर्प योग है अब आपके ऊपर, और ऊपर से उसमें भी सफ़ेद रंग का सांप काटना चाहिए तो धन आएगा आपके पास। तो ये मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि अगर कोई सपने में किसी को चेक लिख कर देता है, अरे यहाँ पे गरीब लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, चेकबुक कहाँ से लेकर के आएंगे, लेकिन कहते हैं चेक लिखते हुए सपने में अगर आप देखेंगे किसी को तो समझिए कि धन आने की संभावना है। और कहते हैं कि सपने में पका हुआ संतरा व गेहूं देख लें तो अतुल्य धन प्राप्त होता है। तो गेहूं और संतरे के जिसके बागान हैं या फिर जो लोग रोज़ ला करके घर में रख लेंगे तो क्या इससे पैसा आ जाएगा। तो ये सब मान्यताएँ हैं, ये सुपरस्टिशियस बातें हैं, ये कई लोग इन्हीं के चक्कर में आडंबरों में बिजी रहते हैं और इसी की वजह से वो लोग सोचते हैं कि उनके पास पैसा आ जाएगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। फिर भी मैं रोकूंगा नहीं, आपकी मर्जी है, मैं आपको बता देता हूँ कि पैसा आएगा कैसे। आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, रत्न खरीद सकते हैं, महंगे
पत्थर खरीद सकते हैं, हीरे जवाहरात खरीद सकते हैं, इससे पैसा आएगा। अगर पैसा कमाओगे तो ये ज़रूर लीजिएगा आप लोग। चल अचल संपत्ति, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने और उद्योग धंधे आप लगाइएगा, आप पैसा इससे कमा सकते हैं। आप शेयर्स खरीदिएगा, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइएगा, पैसा इससे आने वाला है। मुद्रा के रूप में कागज़ के नोट और सिक्के आप करेंसी इकट्ठे कर सकते हैं। ई मुद्रा, बिटकॉइन जैसी मुद्रा, या फिर अपने सिस्टम जैसा कोई सिस्टम आप पकड़िएगा जिससे पैसा आएगा। तो ये रीज़न से जिनसे पैसा आएगा, ना कि किसी भी सुपरस्टिशियस बात से आपकी लाइफ में पैसा आने वाला है। तो आप जो भी मैंने बताया, सोना चांदी से लेकर के आपके जो डिजिटल करेंसी तक है, इन सभी चीज़ों से पैसा आने वाला जीवन में। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आप फोकस कीजिएगा, पैसा तब आएगा। और पैसे का पेड़ लगाइएगा, धन इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक, समय, प्यार, सच्ची देखभाल अगर आप जीवन में चाहते हैं, ये सब चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन आपको लोगों का अटेंशन लेने के लिए, आपको प्यार पाने के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना होगा। हर महंगी चीज़ हो रही है आज की तारीख में, साधारण आदमी को जीवन जीने के लिए आने वाले समय में बहुत पैसों की ज़रूरत होगी। तो आपको जो सिस्टम मिला, आप इस सिस्टम के साथ जुड़िए, ढेर सारा पैसा कमाइए। लेकिन मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि पैसा और परिवार, आपको चुनना तो पड़ेगा किसी को। आप पैसे की रेस में परिवार को मत मिस कीजिएगा, क्योंकि अगर परिवार मिस हो गया तो आप बहुत सारा पैसा कमा करके भी अपने परिवार को नहीं अचीव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, आप लोगों ने समय दिया, थैंक यू सो मच।